नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिना किसी ऐप के अपने मोबाइल से किसी भी फोटो या फिर डॉक्यूमेंट को आप PDF में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मोबाइल से किसी फोटो या फिर डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करने के लिए आपके फोन में एक ऐप दिया रहता है। ये ऐप सभी के फोन में होता है और उसका नाम होता है गूगल ड्राइव। आप अपने फोन में देख लीजिएगा वो गूगल ड्राइव कहाँ पे है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये है गूगल ड्राइव, इसे आप ध्यान से देख लीजिए, इसे आप ओपन कीजिएगा। और दोस्तों गूगल ड्राइव ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस प्लस वाले आइकॉन पे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्कैन का, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा स्कैन पे। अब दोस्तों जैसे ही आप स्कैन पे क्लिक करते हैं तो आपके फोन की कैमरा ऑन हो जाती है और आपको अपने फोन की कैमरा के सामने वो डॉक्यूमेंट रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं इस बुक को स्कैन कर रहा हूँ और इसी को मैं PDF में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका एक फोटो क्लिक कर ले रहा हूँ। अब फोटो क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा स्टिक वाले आइकॉन पे। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आपका इमेज थोड़ा सा कट जाता है और इधर साइड साइड से कुछ ज़्यादा आ जाता है, तो इसे आप फिक्स करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा स्क्रोप वाले आइकॉन पे। और यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इतना कटा हुआ है, तो इसको आपको खींच के नीचे की तरफ लाना होगा। और इसके बाद यहाँ पे ये कॉर्नर निकला हुआ है तो इसे आप सेट कर लीजिएगा। और इसके बाद इसे भी आप इसी तरह से चारों कॉर्नर को आप सेट कर लीजिएगा। और इसके बाद आप देख लीजिएगा कि फाइनली आपका चारों कॉर्नर सही से जब सेट हो गया तो आप क्लिक कीजिएगा डन। अब दोस्तों ये आपका डॉक्यूमेंट PDF में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ से चाहें तो आप इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा सेव पे और यहाँ पे आपको अपने फाइल का नेम देना होगा। यहाँ पे मैं अपने फाइल का नेम टाइप कर दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे दोस्तों आप अपने गूगल ड्राइव की फाइल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप किस फाइल में सेव करना चाहते हैं इसे। मैं यहाँ पे एक फाइल पहले से बना के रखा हूँ और इसी में सेव करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करके अपने फाइल को चेंज कर सकते हैं और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा सेव पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस फाइल को ओपन करते हैं तो ये मेरा डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे ये लिख रहा है वेटिंग फॉर वाईफाई, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा जिससे ये आपका डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव पे अपलोड होने लगेगा। दोस्तों अब यहाँ पे ये गूगल ड्राइव में अपलोड हो चुका है डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम इसे क्लिक करके ओपन करते हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा PDF में कन्वर्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आप चाहें तो अपनी फोन की फाइल मैनेजर में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा डाउनलोड पे तो ये डॉक्यूमेंट आपका डाउनलोड हो जाएगा आपकी फोन की फाइल मैनेजर में। यहाँ पे हम इसे स्क्रोल डाउन कर रहे हैं तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मेरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो चुका है, 1.3 MB का है। और दोस्तों अगर आप इसे शेयर करना चाहते हैं WhatsApp के जरिए तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सेंड ए कॉपी पे। और इसके बाद आप फिर WhatsApp, Twitter या फिर मेल पे कहीं भी इसे सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो कि बिना किसी ऐप के माध्यम से अपनी फोटो या फिर डॉक्यूमेंट को PDF में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपके काम की होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।